तो गाइस वेलकम टू माय चैनल वंस मोर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेगो सिटी कार्गो ट्रेन का न्यू वर्जन जो मैंने इन्वेंट किया है। तो आप बताइए आपको कैसे कैसे लगा, ठीक है? मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इन 3 2 1 0 ये देखिए, ये मैंने न्यू इन्वेंट किया है। उसमें आपको स्टेशन बनाना पड़ता था, बट ये मैंने एक पैसेंजर ट्रेन की इसमें डाल दिया। अभी अपना इंजन है नॉर्मल वाला, जैसे देखिए वही वही बना के रखा है। और शरीफ, आपने मेरा पहले वाला ब्लॉग देखा रहेगा, तो उसमें ये जो मेरे पुलिस स्पीड बोट एंड ग्रुप्स का था, तो उसका ये एक मैंने लगाया। और रिफ आपके पास वो नहीं है तो ज़्यादा नहीं है बर्बरी। और फिर ये मैंने वो पुलिस कार वाले का किया है। और ये वाला देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपको चीज़ें मिलते हैं ना वैसे आपको इमेजिन करना है। जैसे कि ये मैंने सीट्स बनाए हैं, देखो ये दो सीट्स है और ये सब बैठने के लिए। ये मैंने ओपन ट्रेन बनाई है, मतलब ओपन कोच है, ठीक है? ये देखिए, इस तरफ से जो मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर ये एसी कोच है और इसके दरवाजे भी है। ये देखिए, ये देखिए खुलता भी है। और फिर यहाँ पे मैंने पेट्स के लिए बनाया है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो अभी मैं पहले आपको एक डिटेल में दिखा देता हूँ, एक मिनट। तो ये देखिए, यहाँ पे वही वो जो दो पेट्स थे और एक मेरा ये वाला जो फिगर है उसके साथ एक पेट आया था, ये वाला जो उसके साथ। और यहाँ पे ऐसे बैठने की जगह है। ये मेरा, मैं आपको और भी सेट्स दिखाता हूँ मेरे, तो मैं आपको वो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा, ठीक है? ये देखिए, वो जे द लाइटनिंग निंजा, और ये पुलिस कार का है इसका। और यहाँ पे जो मैंने दिखा रहा हूँ, और ये देखिए, ये ना जो गेट है ना, हाँ ये गेट ऐसे खुलता भी है बाहर जाने के लिए। फिर यहाँ से ये कनेक्टिंग के लिए मैंने कुछ नहीं किया है। इफ आपको अंदर आना है तो फिर मतलब ऐसा कुछ नहीं है, इफ आपको बाहर जाना है तो फिर आप यहाँ से जब एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकेगी, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर रुकती है, और आप ये ट्रेन को कुछ भी नाम दे सकते हो, मतलब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, पेपर लो और यहाँ पे ऐसे चिपका दो। फिर आप यहाँ पे राजधानी एक्सप्रेस जो भी कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हो। तो मैंने अभी तक नहीं लिखा है, ठीक है? तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैं चलाऊँगा कैसे। ओके रुकिए, दिखाता हूँ आपको, इग्नोर करना होगी। तो इसको मैं एक ये देखिए, अब मैं इसको कवर कर देता हूँ, मेरे को बस 5 मिनट दीजिए। हाँ तो ये लीजिए। अब मैं देखिए, अब जैसे कि आपने देखा रहेगा कि अपनी जो ट्रेन होती है वो कोई दूसरे प्लेटफॉर्म से आती है, मतलब गैरेज से आती है ना ट्रेन्स, तो वैसे ही आपको एक फील दे रहा हूँ मैं। ये देखिए, एक मिनट देखिए। ओके ये देखिए, और ये यहाँ से ऐसे जाएगी, और जब वो एक अटैच का साउंड आता है तब आपको ऐसे इसको रोक देना है। ऐसे रोक देना, तो फिर ये ऐसे ये वाली बन जाएगी ट्रेन। ओके ये देखिए, तो मैं इसको आपको अभी चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, सॉरी ये मैंने पीछे कर दिया गलती से बस। ओके ये, अरे 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 अरे, अरे। ये देखिए, अभी आगे जा रही है, इसकी और भी स्पीड हो रहा है। ये देखिए अभी, तो ये देखिए गाइस, अब इसने इसकी रफ्तार पकड़ ली है। इससे भी ज़्यादा होती है, बट मेरे रिमोट की जो बैटरी है वो अच्छे से चार्ज नहीं है उसके लिए। ये देखिए, और ये मतलब किधर भी आप रोक भी सकते हो, और आपको कुछ भी ऑब्स्टिकल रखना है ना, जैसे कि टनल वो से बनाए तब बना सकते हो,
बट आपको ये जो ये दोनों की जो हाइट है ना, ये वाली ट्रेन की और वो वाले अपनी जहाँ से चल रही है, उन दोनों की आपको हाइट मेजर करके थोड़ा सा लॉन्ग बनाना पड़ेगा ट्रेन को। और ऐसे व्यक्ति में क्या हाइट मतलब ये साइज वो आपको ठीक है। और ये मेरा रिमोट है जिससे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ ऐसे। अभी ये मैं अभी थोड़ा मेरे पास ब्रिक्स ज़्यादा नहीं थे क्योंकि मैंने उस पर ज़्यादा ब्रिक्स लगा दिए, तो वो मतलब एक ही बॉल बनी है। ओके ये भी ऐसी चल चलती रहेगी थोड़ा देर या। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हाँ आप ये जो मैं बोल रहा हूँ इसका आपको ये डालना पड़ेगा, जैसे कि ये देखिए एक ऐप है। हाँ तो गाइज एक ऐप है मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ वो ऐप का नाम है लेगो बिल्डर्स। उसमें आपको ये सेट का नंबर या फिर आपका जो भी सेट है उसका नंबर डालना है, और फिर जब आप वो नंबर डालोगे कोड नंबर जैसे कि मेरा था 411057 ऐसे था एक मेरा वाला, तो वो आपको डालना है सेट्स में फाइंड द सेट और फिर स्टार्ट और फिर इफ़ और फिर आपको हर इसमें दिखना है कि आपका लेगो सिटी है फिर मार्वल है फिर कुछ कुछ और। फिर आप उस टाइम पे आपको मिल गया तो आपको उस पर क्लिक करके थोड़ा देर रुकना है। जब आपको दिखेगा कि स्टार्ट बिल्डिंग तो आपको थोड़ा प्रोसेस देगा या फिर आपको आपको सेट मिल जाएगा या फिर आपका 3-in-1 है तो आप वो 3 में से कोई एक बना सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे ये वाला ब्लॉग एंड कर देता हूँ क्योंकि बहुत लॉन्ग ब्लॉग हो रहा है। तो अभी मैं आप